हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सागर पांड्या एंड वी आर बैक विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 2, की कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन। लेट्स बिगिन। देखा था टिल फर्स्ट चैप्टर वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सर्टन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट चेंजेस दैट केम अक्रॉस टिल 1991। सो अभी तक अगर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, नाउ आफ्टर 1991 व्हाट वर द इश्यूज विच केम अक्रॉस, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। लाइक बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज ग्लोबलाइजेशन। सो वेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हम लोग, लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉट ऑल इश्यूज केम अक्रॉस, जैसे पोलिटिकल इश्यू था, इकोनॉमिक इश्यूज थे, एंड नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट। वी हैव स्टडीड द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991। वी रेड अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईस्टर्न यूरोप ऑल्सो इन 1989, लाइक फॉर एग्जाम्पल द कुवैत क्राइसिस ऑफ 1990 एंड ऑल्सो द डिसइंटीग्रेशन दैट इज डिविजन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। सो इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज कुवैत क्राइसिस के टाइम पे हम लोगों ने देखा था एक नया मेंटालिटी आया था। दिस नया मेंटालिटी वॉज कॉल्ड एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या नाम था? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ व्हाट वॉज दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑल अबाउट? लेट्स बिगिन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज अमेरिका हैड हेल्प्ड कुवैत अगेंस्ट इराक, एंड वो टाइम पे जब हम लोगों ने देखा था दैट अमेरिका ने सपोर्ट किया था दिस माइंडसेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इफ़ यू आर फॉलोइंग द वीडियो, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ऐसे ही पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या? मतलब विथआउट कैप्चरिंग द टेरिटरी यू आर सपोर्टिंग दैट टेरिटरी एंड टेकिंग देम इन टू योर ओन कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ दिस मेंटेलिटी वॉज बेसिकली स्टार्टेड बाय अमेरिकन, इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR का डिसइंटीग्रेशन, दैट इज डिविजन, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज 15 कंट्रीज का जो यूनियन था जो डिवाइड हो गया था। सो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन टू टर्म्स केम अक्रॉस विच केम टू बी यूज, फर्स्ट टर्म दैट इज पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर एंड सेकेंड वन वॉज कॉल्ड एज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सो फर्स्ट वन वॉज पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एंड द सेकेंड वन दैट इज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939, एंडेड इन द ईयर 1945। आफ्टर 1945 देर वॉज कोल्ड वॉर विच केम अक्रॉस, दैट इज फ्रॉम 1945 टिल 1991, अबाउट विच वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर अबाउट बाईपोलर वर्ल्ड। देर वर टू पोल्स, देर वर टू सुपर पावर्स, एंड बाद में बन गया यूनिपोलर, एंड यूनिपोलर के बाद वापस हो गया मल्टीपोलर, वेयर एवरी डिफरेंट कंट्रीज वर ग्रेट इन ट्रेड। तो ऑन दैट बेसिस जब भी हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा देर वर टू टर्म्स विच आर यूज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। पहला तो हम लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखा था इन द फर्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर। सेकेंड अभी जो दूसरे दो टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर एंड सेकेंड वन दैट इज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सो जब भी हम लोगों ने ये दोनों टर्म्स देखे, ऑल दीज थ्री टर्म्स टुगेदर फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इन्वॉल्व आफ्टर 1991। सो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी दोनों साथ में कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स भी एंड सिक्योरिटी भी। लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर एरा था, तो वो टाइम पे देर वॉज आर्म्स रेस, मतलब अमेरिका और रशिया दोनों इतना ज़्यादा आर्म्स प्रोडक्शन कर रहा था दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि भाई अभी एक टाइम ऐसा आ गया था ड्यूरिंग द आर्म्स रेस के अगर ये सब सिचुएशन, ये सब मिसाइल्स, ये सब न्यूक्लियर आर्ममेंट अगर एक साथ ब्लास्ट करेंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ब्लास्ट हो जाता था। सो इन द अर्ली 1990s अनदर टर्म केम अक्रॉस एंड एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली, लॉजिकली सोचना चालू किया। अरे भाई रैशनली सोचो, लॉजिकली सोचो, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? मनी इज इम्पॉर्टेंट। अभी लोगों ने समझना चालू किया अपना सपना मनी मनी, एंड दैट इज वाई अनलाइक द अर्लियर टर्म्स आज मनी वॉज इम्पॉर्टेंट। अभी मनी कैसे आएगा? थ्रू ट्रेड। ट्रेड कैसे बढ़ेगा? नॉट ओनली नेशनल ट्रेड बट इंटरनेशनल ट्रेड, है ना? जब इंटरनेशनल ट्रेड लाना चालू करेंगे दिस टर्म वॉज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। अनलाइक द टर्म ग्लोबलाइजेशन, अनलाइक द अदर टर्म्स, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज ब्रॉडर बेस्ड। इट इंक्लूडेड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, पोलिटिकल,
technological, social and cultural changes that took place in the world after 1991. So today we use the term globalization to describe the post-Cold War era. So let us learn, what is globalization? Alright, so what is globalization? When we talk about globalization, we say that the world has become a big market. इंटरनेशनली हम लोग कोई भी कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं. मतलब कोई भी एक सिचुएशन चाहिए था, मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए था, मेरे कंप्यूटर का पार्ट था, मैं बोरीवली से लेके बाइकला तक सब जगह पे घूमया, जग घूमया, मेरे को किधर भी नहीं मिला, बट मुझे मिला. किधर मिला? बॉस्टन में. तो मुझे बॉस्टन में अगर मिल गया तो मैं इजीली ऑर्डर कर सकता हूँ क्या आज के ज़माने में? हाँ, मेरे दोस्त ने बोला, अरे गूगल बाई पे डाउनलोड कर, गूगल बाई पे जा और उधर सब कुछ मिल जाएगा. मतलब क्या? मतलब इंटरनेशनली वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. येस और नो? ऑफकोर्स येस. वेन वी टॉक अबाउट दिस इंटरकनेक्शन, द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन बिग मार्केट. उसका बोलने का पर्पज़ क्या है? वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. हाउ? टेक्नोलॉजिकली. Technological developments have helped their interconnectivity, and this interconnectivity, because of this, for example, when we talk about online applications can be made for applications can be made for admissions which are there in any college or university which are there abroad. Similarly, mobile calls or WhatsApp messages or Instagram or Skype, matlab jab hi dekho tabhi, hey friend kaisa hai. Now it becomes very easy for everyone, right? So that is a purpose, that is a motive jo change karna, and wo mindset change ho gaya. And changes have taken place in economics and trade also. Matlab technologically agar connect ho gaye, so trade bhi bada, economy bhi bada. Like for example, when we talk about Indian fruits and flowers are exported to Europe and America. Various consumer goods from Europe, अमेरिका एंड चाइना आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स. सो इसके लिए कहना इसे इंडियन मार्केट्स में अगर ये चीज़ चालू हो गया, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट चेंज, इट हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट हैवॉक इन टू द माइंड सेट ऑफ द पीपल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो इन टू द माइंड सेट ऑफ द ट्रेडर्स. ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज द इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कंट्रीज एंड पीपल एंड इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. लाइक देर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग दिस पर्टिकुलर चेंज. वन आर्ग्यूमेंट इज दैट वाइल इंटरकनेक्शन हैज इंक्रीज्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर हैज नॉट डिक्लाइंड. मतलब जो स्टेट स्ट्रक्चर का, मतलब जो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस था, वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ. इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज स्टिल वेरी मच अलाइव बिकॉज ऑफ दिस. Some feel that economies and technology are very key factors that have brought the world together. They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of state is now being challenged. Sovereignty matlab supreme rulingness. And what is jurisdiction? Matlab control. So iski wajah se, because international trade chal raha hai, because economy badh raha hai, because of the technological advancement, slowly and gradually koi bhi country dusre country ke territory mein ghus sakta hai ya capture kar sakta hai. To aisa argument chal raha hai. There are others who give importance to the civil society and non-state actors also. According to them, social movements cut cross state boundaries and focus on humanitarian problems of the people. And that is why now, when we talk about the changes, let us look upon certain changes that have occurred in these areas separately. We will also see how these changes have affected India and internationally. So we are going to see the changes in these areas separately and also only for the academic convenience. In reality, all these areas are interconnected. This means that political and economic change will affect society and culture and vice versa. So when we talk about different issues, let us begin with the first issue, that is economic issue. Some of the important changes that have occurred in the area of economic issues are as follows. First one, free flow of finance capital. Now, जब भी फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल देखे, मतलब क्या? इंटरनेशनल इकोनॉमिकली जब भी हम लोग देख रहे हैं, कैन आई से इन्वेस्टमेंट कोई भी कंट्री के बिजनेस में कर सकता है? ऑफकोर्स द इन्वेस्टमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. इंडस्ट्रीज नीड फाइनेंस. इन्वेस्टमेंट्स हेल्प टू बिल्ड इंडस्ट्रीज एज दे प्रोवाइड फाइनेंस. बिकॉज बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज ऐसा है जहाँ पे पैसे का ज़रूरत पड़ता है. कभी कभी कोई कंट्री ऐसा होता है जहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों के पास इतना इकोनॉमी नहीं रहता है जो वो ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. तो देर आर इन्वेस्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी. अभी वो इन्वेस्ट करके जाएंगे, मतलब प्रॉफिट भी लेंगे. इन्वेस्टमेंट्स आर डन बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बाय द प्राइवेट सेक्टर.
Today, you may have read about how Indian companies are investment in the foreign countries. And there are many private countries, private companies, like for example, Tata's, Reliance, etc., have invested in various industries in America, Europe, Africa, and other places. Even the government companies like ONGC have made investment abroad on a very large scale, and usme se bhi profit aata hai. Similarly, a lot of foreign companies are also investing in India. These investment take place in both infrastructural sector also and also consumer sector. मतलब जहाँ पे buildings हम लोगों को build करना है या bridges बनाना है या roads बनाना है, in that factor also वो लोग invest करते हैं. And दूसरे side पे consumer products के लिए भी, जैसे the products that are used by us, daily products. Foreign companies have invested in buildings, airports, nuclear power plants, etc. in India. They have also invested in consumer food chains also. Like हम लोग अपना फेवरेट मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट एक्सेट्रा. पिज्जा पसंद है. सो प्रायर टू 1990s सच इन्वेस्टमेंट्स वर रेयर. देर यूज टू बी सेवरल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर 1990s के भाई इंटरनेशनली दूसरे कोई कंट्री में तुम लोगों को अलाउड नहीं है इन्वेस्टमेंट करना. इट वॉज डिफिकल्ट. दिस हैज नाउ चेंज्ड. The change is looked at as free flow of financial capital from our country to other countries and from other countries to our country also. This capital flows both ways, from India to foreign countries and foreign companies to India. Hence, India is a developing country. It needs financial investment in industry for this development. There are limitations to domestic financial investment in India also. जैसे for example, बहुत कम ऐसे companies हैं जो बाहर से बाहर के companies हैं जो India में invest करने आते हैं. Therefore, foreign investment is always welcome. हम सामने से बोलते हैं अतिथि देवो भव. But we must also remember that this investment in the infrastructure sector is more important than that in the customer or the consumer sector. The real development will take place with the building of communication networks through roadways, railways, waterways, and air travel. So this is the first main issue which came across. Second issue, economic issue kaun sa tha? Let us see. Second economic issue, the change in the concept of trade. Several changes have taken place in the approach to trade since 1990s. International trade was governed by rules and regulations which was given by GATT. Kya tha? GATT. General Agreement on Tariff and Trade. General Agreement on Tariff and Trade. GATT. Since 1948. बाद में उसका नाम चेंज करके हम लोगों को मालूम है क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो जीएटीटी वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एन अग्रीमेंट अमंगस्ट द नेशन. इन 1995 जीएटीटी वाज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी हुज पर्पस इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय परसुएडिंग कंट्रीज टू अबॉलिश इंपोर्ट टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स. बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ लगाए जाते हैं, इम्पोर्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, बैरियर्स लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जस्ट फॉर अर्निंग मनी. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्ट्रिक्ट करता है ये चीज़ें एंड कन्विंस करता है कि भाई ये ट्रेड टैरिफ कम करो. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल एजेंसी ओवरसीइंग द रूल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड दैट इज वाई इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स अमंग्स डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेस ट्रेड नेगोसिएशंस. ये हुआ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, ट्रेड इज नॉर्मली डन इन कमोडिटीज. दीज कैन बी कमोडिटीज लाइक आयरन ओर है, कोल है, ऑयल है और सच पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है जो खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल. In the 1990s, the scope of the term trade widened and we talked on trade in services. Thus, banking, insurance, etc. were services and they were also looked upon as a matter in which trade can be done. Kaun sa? Banking and insurance. Today, we talk of trade in an intellectual property. This includes copyrights, hai, trademark, hai, patents. Hai. Like for example, जब भी हम लोग अलग अलग सिंबल्स देखते हैं वो गेम आता है सिंबल्स का, तो पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर सिंबल किस चीज़ का है. तो बड़ा सा एम देखते हैं तो मैकडोनल्ड्स है, अमूल का एक पर्टिकुलर सिंबल है, वो टिक देखते हैं तो नाइकी का सिंबल है. मतलब दीज आर पर्टिकुलर कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स विच आर गिवन.
विच आर गिवन, एंड इसके लिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम दे दिया. वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम क्यों दिया था? टुडे वी टॉक अबाउट ट्रेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दिस, द कॉपीराइट एंड द पेटेंट्स एंड द ट्रेडमार्क्स. Also, another change that has occurred in the area of trade is the use of container cargo ships. Now, container ships are able to carry huge amount of goods across the world. There are special port facilities for container ships, and also the container cargo revolution has changed the manner in which trade takes place in the world today. So slowly and gradually, ये international trade बढ़ने लगा. Now, there was a rise of transnational companies. Now, until 1990s, the government had a lot of control on economic sector. There was a limited scope for the private sector. पहले के टाइम पे ऐसा था कि limited scope on private sector, maximum scope of the public sector, government control. Globalization has changed this situation also. We have seen the growth of private companies slowly and gradually, and companies that used to operate within the nation started operating in foreign lands. They became multinational companies slowly and gradually, and today we also see the growth of transnational companies. This development, transnational matlab kya, countries mein jaake, dusre countries mein jaake trade badhate hain अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए. दिस डेवलपमेंट इज मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर. हाउ डज दिस अफेक्ट द कॉमन पर्सन? सो फर्स्ट, अफेक्ट कैसे करता है? वन इम्पैक्ट इज सीन ऑन द लेबर मार्केट. देर इज अ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, दीज कंपनीज रिक्रूट बोथ स्किल्ड लेबर एज वेल एज सेमी स्किल्ड लेबर. अभी ये स्किल्ड लेबर एंड सेमी स्किल्ड लेबर या दोनों एम्प्लॉइज को साथ में अगर ट्रेड कर रहे हैं, देर इज अ लॉट ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंडियन लेबर वर्किंग इन द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एक्सेट्रा. द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो. सो देर आर वेरियस सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग केटरिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर बींग प्रोवाइडेड ह्योर. मतलब यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या क्या सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू केटरिंग सर्विस, विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. नाउ टेल मी वन थिंग, ये तो बेसिक चीज़ें हुआ. द सेकेंड इम्पैक्ट इज सीन ऑन द स्मॉलर इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड शॉप्स. They have to face competition from the big multinational companies also. The shops and small industries that are efficient are able to compete. For example, we have seen big grocery stores and also malls in cities, but despite these, the small shopkeepers, vegetable and fruit sellers continue to attract the client. This is because they provide the necessary services to the people, and jo logo ko chahiye wo cheez provide karne wale ye log hai. That is why the third impact is on the agricultural sector. Today, farmers are able to sell their goods directly to the companies. Multinational companies, they have brought in new technology and opened markets for Indian agricultural products also. For example, India exports marine products, meat, rice, spices, cotton, fish, fruits, vegetables, sugar, coffee, groundnut, cashews, everything. So all these things are traded by us, and ये मतलब एक्सेट्रा में सब कुछ आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती है. ये हुआ इकोनॉमिक इश्यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पोलिटिकल इश्यू. नाउ वेन वी टॉक अबाउट पोलिटिकल इश्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेनली फोकसेज ऑन डिफरेंट थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेनली फोकसेज ऑन फोर टॉपिक्स. फर्स्ट वन बींग इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री का बात कर रहे हैं, पोलिटिकल इशू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेनली फोकसेज ऑन डेमोक्रेसी. सो द ईस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशन ऑफ 1989 एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज लुक्ड अपॉन एट एज अ फॉल ऑफ कम्युनिज्म. जैसे कम्युनिज्म स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म होने लगा, दिस वॉज अ टाइम फेज जब भी इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम. But there are terms like participatory state, citizen-centric governance and good governance have become very important. Why? Because जहाँ पे democracy है वहाँ पे ये तीन चीज़ होना ज़रूरी है. Participatory state where people are participating, citizen-centric governance, citizen-centric मतलब citizen के control में, citizen को सोचते हुए, and good governance with the government.
Participatory state goes beyond traditional democratic practices wherein the decision is made by the majority. In a participatory state, all the segments of the society are involved in the making of policy. Citizen-centric governance and good governance focus on the role of the civil society in the functioning of the government. So, in participatory state, all segments of the society are involved in making the policy. Policy making may include ho gaye. एंड सिटीजन सेंट्रिक एंड गुड गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट के पास है वो फंक्शन. सेकेंड वन द पोजिशन ऑफ द स्टेट. इट इज बींग आर्ग्यूड दैट द स्टेट इज बिकमिंग लेस एंड लेस इम्पॉर्टेंट. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ द स्टेट इज इट्स सोवरेंटी. सोवरेंटी मतलब सेल्फ रूलिंगनेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सोवरेंटी दैट इज सेल्फ रूलिंगनेस इज लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट. This is the right of the state to make laws within its own territory, and that is why it has been argued that the concept of sovereignty, the concept of sovereignty is being challenged from both within and without. External challenges come from the growth of international law, regional economic organizations, globalization of markets, growing environmental and humanitarian concerns, etc. So these are the basic external challenges. Matlab ye basic external challenges hai which are covered. Internal challenges come from a decline of national consensus. Logo ka consensus matlab saath mein wo nationally wo accept nahi ho raha hai. Growth of ethnic nationalism, ek particular culture grow hona. Activism of non-state actors, etc. Issues like environment, gender and humanitarian problems have taken the center stage here. उसके बाद आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. सर कब से बोल रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी दैट हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू द नॉन स्टेट एक्टर. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, एनजीओ टाइप के. दस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस हैव स्टार्टेड टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट. टुडे इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट रिलेशंस बिटवीन द स्टेट, इट इज इंक्लूडेड नॉन स्टेट एक्टर्स. वो नॉन स्टेट एक्टर्स कंट्रोल करते हैं ये चीज. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ऑल्सो. एंड बिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स. The last part, that is human rights. Now, human rights. In the age of globalization, protection of human rights has become an important agenda. Kyun agenda important hai human rights? Fundamental rights milna jaruri hai. But there is a need to make a distinction between the approaches of human to the human rights of the developed world and the developing world. The third world holds that economic development has to precede the full flowering of civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. Matlab third world, matlab third world countries kaun sa hai? First world dekhe to capitalist, second world dekhe to communist, third world countries matlab mixed economy. The Indian constitution, for example, lays stress on food, shelter, clothing, education and also health as primary needs of its citizen. It is further argued that in the desire to achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. Liberty rights, that is freedom, and not the welfare rights, matlab not working for the benefit and betterment of the people of that country. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, to their culture, also according to their politics and economy. Thus, the broad application of Western approach to human rights that focuses on civil and political rights and freedom as a priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above, as told in this particular part. So, human rights dena zaruri hai. That's it from my side, dear students. We'll continue in the next lecture. See you in the next video. Like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. Thank you. Bye-bye.